वेलकम टू जायका दिल्ली। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। गोभी आलू की ये सब्ज़ी एकदम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे हम, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ वेरी क्विक रेसिपी से। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले किस तरह से इसको गार्निश कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये दिखाया गया है कि किस तरह से बन कर आएगी। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये इसके अंदर हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है, और फिर थोड़ी सी हींग जाएगी। 2 हमने टोमेटो की प्यूरी बना ली है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और बाकी ये सारे मसाले। ये हमारे पास 1/2 किलो गोभी थी, हमने इसको अच्छे से विनेगर के पानी में डाल दिया ताकि इसके अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह या फिर थोड़े बहुत भी वॉर्म वगैरह हो वो ऊपर आ जाएँ। फिर इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। तेल हमारा गर्म होते ही हमने हींग डाल दी और फिर टोमेटो की प्यूरी डाल दी। ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको अच्छे से भूनना है हमें। और फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, जो अभी हमने मसालों का पेस्ट बनाया था, जिसके अंदर हमने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया था, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। साथ साथ हमने 1 हरी मिर्च कट कर कर डाल दी। ये देखिए, बीच से कट कर कर डाल दी। और जैसे ही इसके अंदर बीच में बबल्स आने लगे और साइड में तेल छोड़ दिया, हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। ये हमने 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू ले लिए, ये कम से कम 600 ग्राम के आसपास हमारे पास आलू होंगे। और फिर ये 1/2 किलो हमारे पास गोभी, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, अच्छे से इसको क्लीन करेंगे और फिर इसको आलू के साथ ही डाल देंगे। ये देखिए, हमने पानी 1/2 कप पानी डाला है कम से कम, और हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 सीटी आने तक पका लिया। और फिर इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हम खोल कर अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे, जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए और फिर इसका सारा पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए। देखिए, जैसे इसका ये हमारा पानी एब्जॉर्ब हुआ, उसके साथ हमने हरा धनिया डाल दिया, और आप चाहें तो 2 हरी मिर्च भी कट कर कर डाल सकते हैं। ये टोटली अप टू यू है कि आप अगर चाहें तो थोड़ा सा स्पाइसी आपको और करना है तो आप ऐड कर सकते हैं स्पाइस। ये देखिए, हमारे कितने अच्छे बनकर रेडी हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या फिर कुछ लोग इसको चावल से खाना पसंद करते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, कितने कम इन्ग्रीडियंट के साथ बहुत कम टाइम में हमारा गोभी आलू बनकर रेडी है।